चार पंडे पाखंडी जो अनपढ़ जाहिल होते हैं, चार मंत्र मारते हैं, आधे चबा जाते हैं आधे बोल जाते हैं, पानी छिड़क करके कहते हैं कि हमने शुद्ध कर दिया, वो तो कई बार पत्थरों में भी प्राण फूंक देते हैं, अपने बच्चे खुद के मरते हैं तो मैयत पर रोते फिरते हैं और खूब आंसू बहाते और बिलाप करते हैं, लेकिन अपने बच्चों में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, इंसानों को अशुद्ध इंसानों को शुद्ध कर सकते हैं। माफी मांगनी है तो मांगो ना सारे आकर के, तुम्हारी इन पीढ़ियों को माफी मांगनी चाहिए उन लोगों से जिनके दादा परदादा पीढ़ियों पीढ़ियों को तुमने सताया और उनको गुलाम बनाकर रखा केवल इसलिए कि वो तुम्हारे पैर दबाते रहे, वो तुम्हारे शरीर की मालिश करते रहे, वो तुम्हारी महिलाओं को मंदिरों तक ले जाते रहे, वो तुम्हारे बच्चों को खिलाते रहे, वो तुम्हारी गाय का गोबर उठाते रहे, वो तुम्हें कपड़े धुलकर देते रहे, वो तुम्हें सब्जियां उगा करके देते रहे। उनकी महिलाएं जब बड़ी हो, उनकी बच्चियां जवान हो तो तुम्हारी आंखों को सिखाती रहे, तुम अपनी हवस की भूख उनकी बेटियों से मिटाओ। तुमने सदियों तक उनका शोषण किया, माफी मांगनी है तो मांगो ना। नाक रगड़ रगड़ के भी अगर माफी मांगोगे इन आदिवासियों से और दलितों से तो भी ये माफियां पूरी नहीं होंगी। लेकिन माफी मांगने का एक नाटक कर रही है स्मृति ईरानी, और वो स्मृति ईरानी नाटक कर रही है जिन्होंने कभी किसी महिला उत्पीड़न के उस पर आवाज नहीं उठाई है। पूरे आदिवासी समाज से माफी मांगो कि तुमने एक राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने से पहले आदिवासी को शुद्धिकरण किया। शुद्धि का मतलब है कि वो पहले से अशुद्ध थी तुम्हारी नजरों में, तो तुम माफी मांगो। देखिए स्मृति ईरानी जी बार बार छिक छिक कर कह रही हैं कि माफी मांगो गरीबों से, माफी मांगो आदिवासियों से, माफी मांगो महिलाओं से, माफी मांगो दलित आदिवासियों से। जब आप बार बार आदिवासी आदिवासी शब्द बोलती हैं तो इससे साफ पता चलता है कि अभी भी आपने स्वीकार नहीं किया है कि वह राष्ट्रपति है। अगर आप राष्ट्रपति का अपमान मानते तो राष्ट्रपति की कुर्सी से आप कहते कि भी आप राष्ट्रपति पद से माफी मांगिए, लेकिन आप लगातार टारगेट कर रही हैं कि दलितों से माफी मांगो, गरीबों से माफी मांगो और आदिवासी से माफी मांगो। अगर माफी मांगनी है तो हजारों आदिवासियों पर रोज घटनाएं होती हैं, तो आप उनके लिए भी माफी मंगवाइए। वहां तो जिंदा गाड़ दिया जाता है, जमीनों में मार दिया जाता है। अभी भी इसी हफ्ते की दो घटनाएं हैं जहां झारखंड में दो महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं को इतना मारा है प्रशासन ने, दो पुलिस वालों ने, कि पेट में कई लाते मारने की वजह से बच्चा पेट के अंदर ही मर गया है। मैं कल ही उस घटना को पढ़ रही थी। इन मुद्दों पर स्मृति ईरानी नहीं बोलेंगी। देश के अंदर कितनी लड़कियों को, बेटियों को गलत धाराएं लगा लगा करके जेलों में मुकदमों से भर दिया गया। हमें, मेरे ऊपर खुद मुकदमा लगाया गया जेल के अंदर डालने का, मुझे, मेरे पीछे पुलिस लगी रही। कितनी लड़कियों को जेल के अंदर डाल दिया गया जबकि बेगुनाह होने पर, केवल इस वजह से कि वह सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं। तो उनसे माफी मांगने की बात कभी नहीं कहती हैं आप। आपको सिर्फ और सिर्फ एक शब्द टारगेट करना है जिसका नाम आदिवासी है। आपको यह दिखाना है कि हम आदिवासियों का सम्मान करते हैं। स्मृति ईरानी कह रही है राष्ट्रपति का अपमान किया कांग्रेस नेता ने। देखिए जिसने अपमान किया है, जो भी उन्होंने शब्द बोला है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ कि उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति की जगह महिला होने के नाते राष्ट्रपत्नी शब्द का कहा है। राष्ट्रपति शब्द का केवल एक शब्द है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ राष्ट्रपति शासन रहता है वहाँ प्रेसिडेंट बोला जाता है। आप प्रेसिडेंट बोल दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस शब्द का सही उच्चारण है, आप उसको बोलिए। आप उस पद के नीचे चाहे कोई सा भी जेंडर हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या थर्ड जेंडर हो सकता है, कोई भी जेंडर हो सकता है, भारतीय संविधान सबको हक देता है। तो आप इसको इस तरह से कह करके आप कहीं ना कहीं एक महिला का, और दूसरी बात आदिवासी होने की वजह से उनका अपमान आप करने की कोशिश कर रहे हैं या दर्शा रहे हैं कि आपके मन में कोई इज्जत नहीं है। जो द्रौपदी मुर्मू है उनका शुद्धिकरण का भी एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। माफी मांगनी है तो यहाँ मांगे स्मृति ईरानी, हम और सर झुका झुका करके बार बार माफी मांगे, कहें कि हमने एक महिला को, एक देश की नागरिक को, जिसको प्रथम नागरिक बनाने की कुर्सी पर बिठाने जा रहे हैं, उसका पहले हम शुद्धिकरण कर रहे हैं। क्यों? इसका मतलब आडंबर, धर्म, पाखंड आप पूरा थोप करके, अपने मन को शांति दे करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि अभी आप भले ही राष्ट्रपति बनने के लायक हैं, लेकिन हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हमारे वेदों के हिसाब से अभी आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं, इसलिए आपको गंगा के पानी से पवित्र करा जाएगा। यानी कि दलित और आदिवासी पवित्र नहीं है। ये शुद्धिकरण करने का क्या मकसद होता है इनके पीछे, मतलब क्या करना, क्या चाहते हैं? शुद्धि शब्द का मतलब है कि किसी, कोई अशुद्ध चीज को शुद्ध किया जाए, ये शब्दों से पता चल रहा है। तो इसका मतलब आपकी नजर में वो भी अशुद्ध है और आपने उनको चार पंडे पाखंडी जो अनपढ़ जाहिल होते हैं वो चार मंत्र मारते हैं, आधे चबा जाते हैं आधे बोल जाते हैं और उसमें से पानी छिड़क करके कहते हैं कि हमने शुद्ध कर दिया, वो तो कई बार पत्थरों में भी प्राण फूंक देते हैं, अपने बच्चे खुद के मरते हैं तो मैयत पर रोते फिरते हैं और खूब आंसू बहाते और बिलाप करते हैं, लेकिन अपने बच्चों में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, इंसानों को अशुद्ध इंसानों को शुद्ध कर सकते हैं। राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाने से पहले उनको शुद्धिकरण कर दिया, तो अब आदिवासी काहे की रही है? आप बार बार आदिवासी आदिवासी क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप केवल आदिवासी शब्द को भुनाना चाहते हैं, जैसे आपने दलित राष्ट्रपति बना करके दलितों को लुभाया था, दलितों को अपनी ओर किया था। कि और क्या चाहिए भैया, देश का प्रथम नागरिक तो हमने दलित बना दिया, आप हमें क्या करना चाहते हो? वोट दे दो। ऐसी आदिवासियों को हिंदू का चोला पहनाना चाह रहे हैं
और ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बीजेपी को बहुत अच्छी है। एसटी ओबीसी कितने बड़े पद पे बैठ जाएं, लेकिन ये तो फैक्ट है। का घर का भी शुद्धिकरण, ये तो फैक्ट है। जब अखिलेश यादव जी ने घर छोड़ा और मुख्यमंत्री आवास को हमारे नए मुख्यमंत्री जी उसमें प्रवेश करते हैं तो गाय के कई किलो मूत्र को मंगाते हैं और पूरे घर को जो है शुद्ध कराते हैं और गोबर से शुद्ध कराते हैं। देख वो इनकी नजर में शुद्ध है, लेकिन एक जीवित इंसान जो वैसे ही जन्म लेता है जैसे कि ये जन्म लेते हैं, 9 माह में इनका भी प्रक्रिया वही है जन्म लेने की, पलने की, बड़े होने की, वो इंसान इनकी नज़र में आज भी शुद्ध रह जाता है, लेकिन गाय का मूत्र रोटी दोनों इनकी नज़र में पवित्र होते हैं। तो ये इनकी इतनी घटिया मानसिकता है और ऊपर से दिखाते हैं कि अब माफ़ी मंगवाने की बात कर रहे हैं। माफ़ी मांगनी है तो मांगो ना सारे आकर के। तुम्हारी इन पीढ़ियों को माफ़ी मांगनी चाहिए उन लोगों से जिनके दादा परदादा पीढ़ियों पीढ़ियों को तुमने सताया और उनको गुलाम बनाकर रखा केवल इसलिए कि वो तुम्हारे पैर दबाते रहे, वो तुम्हारे शरीर की मालिश करते रहे, वो तुम्हारी महिलाओं को मंदिरों तक ले जाते रहे, वो तुम्हारे बच्चों को खिलाते रहे, वो तुम्हारी गाय का गोबर उठाते रहे, वो तुम्हें कपड़े धुलकर देते रहे, वो तुम्हें सब्जियां उगा करके देते रहे। उनकी महिलाएं जब बड़ी हो, उनकी बच्चियां जवान हो तो तुम्हारी आंखों को सिखाती रहे, तुम उनके तुम अपनी हवस की भूख उनकी बेटियों से मिटाओ। तुमने सदियों तक उनका शोषण किया, माफी मांगनी है तो मांगो ना। नाक रगड़ रगड़ के भी अगर माफी मांगोगे इन आदिवासियों से और दलितों से तो भी ये माफियां पूरी नहीं होंगी। लेकिन माफी मांगने का एक नाटक कर रही है स्मृति ईरानी और वो स्मृति ईरानी नाटक कर रही है जिन्होंने कभी किसी महिला उत्पीड़न के उस पर आवाज नहीं उठाई है। जो बीजेपी की महिलाएं और एमपी और मंत्री खुद कहती हैं कि भाई बलात्कार तो किरण खेर ने पिछले साल बयान दिया था कि बलात्कार तो हिंदू धर्म की और भारत की सभ्यता है। तो ये वो महिलाएं हैं आज महिलाओं के जब दूसरों का रेप होता तो कहती हैं कि ये तो सभ्यता का पार्ट है, लेकिन जैसे ही एक नाम को भुनाना होता, आदिवासी नाम को भुनाना होता तो तुरंत कहती है माफी मांगो माफी मांगो। अरे काहे गला चीख रही हो, माफी मांगो ना जाकर के, माफी मांगो ना दलितों से आदिवासियों से, तुम मांगो ना लेट लेट करके पैरों में, तुम मांगो पहले तो पूरे आदिवासी समाज से माफी मांगो कि तुमने एक राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने से पहले आदिवासी को शुद्धिकरण किया। शुद्धि का मतलब है कि वो पहले से अशुद्ध थी तुम्हारी नजरों में, तो तुम माफी मांगो। पहले तो तुम्हारी माफी मांगना बनता है, लेकिन तुम उस पर बात नहीं करोगे, तुम्हें तो मुद्दा भटकाना है। आप लोग कितने ही बड़े पद पे बैठ जाएं, लेकिन चलना आपको ब्राह्मणों के हिसाब से, क्योंकि जितने भी शीर्ष पर हैं ब्राह्मणों ने हमेशा से या तो सत्ता के पास रहे हैं इर्द गिर्द या सेंटर में बैठे रहे हैं। यही कारण है कि इन्होंने मुगलों तक की गुलामी की, इन्होंने मुगलों के नाड़े बांधे, इन्होंने अपनी लड़कियों को उनको दे दिया, इन्होंने अंग्रेजों के यहाँ भी सर खूब झुकाए, इनकी स्तुति की, इनकी वंदना की और अंग्रेजों से पीछे से कहते रहे कि आप देश छोड़ो। इस वजह से कि वो दलितों को भी बराबरी का हक दे रहे थे, इसलिए इन्होंने अंग्रेजों को कहा मुगल इस देश में 600 साल राज करता है, मुगलों से समस्या नहीं होती है। लेकिन जैसे ही अंग्रेज यहाँ आ जाते हैं और देश के अंदर कहते हैं कि बलात्कार की सजा दलित को जितनी होगी, शूद्र को जितनी होगी, इतनी ही सजा ब्राह्मण को भी होगी, जब उन्होंने कहा कि सजा सबको समान होगी, अधिकार सबको समान होंगे, तो फिर इनको लगा कि भाई अंग्रेजों को भगाना चाहिए और अंग्रेजों को। ये जो शुद्धिकरण की परंपरा तो पहले से चले जा रही है, जो तो परंपरा तो फिर ये भी थी कि भाई लोकतंत्र में जब आप आ गए, भारतीय संविधान को जब लिखित 50 में आपने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया और 47 में ये लागू हो चुका, तो 47 में जब आप कह रहे हैं कि भाई नहीं, नहीं, आज से वही है ना, संविधान तो आपको अनुमति देता है राष्ट्रपति बनने को, तो बराबर का अधिकार देता है, तो इन परंपराओं से हमारा क्या भला है? तुम परंपरा निभाओ, तुम्हारे लिए होंगी ये परंपराएं, हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। हमें तो पूरे विश्व में ये अपमान झेलना पड़ता है कि हम भले ही योग्य हैं, हम भले ही इतने योग्य हैं कि जो अर्जुन ना कर पाए वो एकलव्य कर सके, लेकिन उसका अंगूठा काट लोगे आप, क्योंकि वो कल को आपको चुनौती देगा। तो आप तो प्रतिभाओं का दमन करते आए हैं अपनी परंपराओं के हिसाब से, तो तुम्हारी परंपराओं को हम स्वीकार करते ही नहीं, लेकिन अगर उसको स्वीकार कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो हमें तो आज वही आश्वासन है कि जितना फायदा, जितना हित दलितों का हुआ दलित राष्ट्रपति होते हुए, इतना ही हित अब आदिवासियों का होगा आदिवासी राष्ट्रपति होते हुए। हित भी क्या होता है जो वहां की उनकी गुलामी स्वीकार करते हैं। मैं तो उनको बधाई देती हूं कि राष्ट्रपति पद एक महामहिम, एक बहुत बड़े स्तर की कुर्सी है जिसके तहत हम सब आते हैं, प्रथम नागरिक की कुर्सी है। लेकिन आप अगर उस जगह पर बैठ करके आप कुछ एक्शन ना ले पाए, गलत को गलत और सही को सही ना कह पाए, आप वही वैदिक परंपरा को निभाने के लिए गुलाम रहे, मजबूर रहे, आपकी केवल कलम इसलिए चले कि आपसे कहा जाए यहाँ चलाओ और यहाँ रोक दो, तो फिर उस कलम को मैं समझती हूँ कि वह बहुत बड़े समाज के हित में नहीं हो सकती, भले किसी व्यक्ति विशेष के हित में हो सकती है, और वही वो चाहते हैं। आपको उम्मीद नहीं है कि इनसे? देखिए उम्मीद तो कर सकते हैं, उम्मीद में क्या, उम्मीद में दुनिया का आयाम है, हम भी उम्मीद कर सकते हैं और देखते हैं। वैसे भी 5 साल हमने पिछली बार उम्मीद करी कि दलितों का कुछ हित होगा, दलितों पर इतने एट्रोसिटी के घटनाएं हुई, इतनी महिला उत्पीड़न के केस हुए, इतने रेप के केस हुए, इतनी घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो थाने में ही दम तोड़ देती हैं, थाने वाले ही उसको डंडा दिखा करके भगा देते हैं कि भाई बहुत न्याय की मांग कर रहा है, तेरे को अभी थाने में बंद करता हूँ। तो ऐसे ही शायद यहाँ होगा, हर दिन आदिवासियों की घटनाएं हो रही हैं। कौन बोल रहा है मुझे बताइए आप।